हेलो दोस्तों, तो आज हम एक फ़िल्म का रिव्यू बताएंगे आपको, जो कि एक कोरियन मूवी है जिसका नाम है आई सॉ द डेविल। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और एक्शन थ्रिलर मूवी बेस्ड है। इस कहानी का प्लॉट इस प्रकार है कि कहानी में एक खतरनाक मनोरोगी सीरियल किलर, जो कि एक साइकोपैथ होता है, उसने शैतानी तरीके से एक सीरियल हत्याएँ की हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके शिकार युवा महिलाओं से लेकर बच्चों तक हैं। पुलिस ने काफ़ी देर तक उसका पीछा किया लेकिन उसके पकड़ नहीं पाया कोई भी। एक दिन एक सेवानिवृत्त पुलिस प्रमुख की बेटी जियोन का वह शिकार बन जाती है और एक भयानक स्थिति में मृत पाई जाती है। एक भयानक स्थिति में मृत पाए जाने के बाद जो उसका मंगेतर रहता है, जो कि एक खुद एक गुप्त एजेंट होता है और खुद हत्यारे को खोजने का फैसला करता है, और वह उससे वादा करता है कि वह हत्यारे के खिलाफ खूनी प्रतिशोध लेने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि उस राक्षसी को अमानवीय हत्यारे को पाने के एक राक्षस ही बनना पड़े। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि यह एक बदले की भावना है वाली फिल्म है। आपको इस मूवी में ये दिखाया जाएगा कि एक अत्यधिक प्यार करने वाले व्यक्ति अपने चाहने वाले के इस तरीके से मर जाने के बाद वो उसकी मौत का बदला किस प्रकार लेता है, क्योंकि वो उसे मारने के अलग अलग तरीके अपनाता है इस फिल्म में। ये इस मूवी में आपको यही पता चलेगा।